हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग टेक। तो आज हम वॉक करेंगे अपने ग्लैंड पे, इस बेस के ऊपर। मैक्स लग रहा है, बट देखते हैं कि इसके ऊपर अटैक कहाँ से कर सकते हैं और कहाँ से बेस्ट रहेगा, और कौन सी आर्मी के साथ। मैं अपनी वही हाइब्रिड आर्मी के साथ करूँगा मैं अपना अटैक। ये मेरी आर्मी है, इसके साथ मैं अटैक स्टार्ट करूँगा इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मेरे को देखना है कि अटैक कहाँ से स्टार्ट करना है और किस से स्टार्ट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि फ्लेम फिंगर से स्टार्ट करूँ, बट मैंने इधर आर्चर छोड़ दिया है और अब वेलकम बस यहाँ से अब थोड़ा फनल बना लेते हैं साइड से। मैं इसको भेजने के लिए यहाँ पे मैं बॉम्बर छोड़ूंगा, बॉम्ब करके बॉल कर देगा, बट नहीं हो पाया, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। कोई नहीं, अब हो जाएगा। इधर से एक फ्लोर छोड़ देते जिससे कि अंदर चला जाए, बाहर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये ठीक है, यहाँ पे हम अपना फ्लेम फिंगर छोड़ देते हैं जिससे कि साइड का कंपार्टमेंट सही हो जाए। अब यहाँ से सीसी निकल के आ गई, यहाँ पे फ्रीज छोड़ देंगे, बट इन्फर्नो ने मेरे ट्वीन की एबिलिटी खा ली है। चलो कोई इशू नहीं है, अभी देखते हैं। एबिलिटी है तो मैंने ट्वीन छोड़ दिया उसके ऊपर, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से ये जहाँ तक मेरे को लगता है कि टाउन फुल तक तो निकाल लेगी ये आर्चर यहाँ से। देखते हैं, यहाँ पर मैंने अपना जंप स्पेल छोड़ दिया, तो जंप तो बाद में करेंगे। मैंने बहुत जल्दी कर दी जब स्पेल छोड़ दी, बट कोई नहीं। साइड से देखते हैं, दो हीलर और छोड़ दिए मैंने कि क्वीन के ऊपर कुछ ना हो, क्योंकि ये जो है ना हेयर स्वेपर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे हीलर्स को। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये कर देता है। अभी मैं यहाँ से अपनी वो आर्मी डिप्लॉय करना स्टार्ट करता हूँ कि जिससे कि थोड़ा टाइमिंग इशू ना रहे। अगर टाइमिंग इशू हो गया तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ से मैंने अपनी आर्मी छोड़ दिया, एक गोलिम गल्फ जगह चला गया और गल्फ मैंने डिप्लॉय कर दिया। पीछे से छोड़ दी मैंने अपनी नेट पिच, इस साइड से फनल बन जाएगा और गोलिम को बन जाएगा। यहाँ पे मैं अपना बोमो छोड़ दिया, बोल देती हूँ यहाँ मैंने सारे अपने बोलो छोड़ पर देखिए मतलब जाते हैं नहीं जाता है, कैसा रहता है अटैक। यहाँ पर मैंने एबिलिटी बहुत जल्दी लगा दी हीलिंग स्पेल की, लगाने में चीज़ हीलिंग स्पेल की, क्योंकि मैंने गोलिम को एबिलिटी दी थी। अब यहाँ से मैंने अपना किंग भी छोड़ दिया है और एक हीलिंग स्पेल भी डाल दी। अब देखते हैं कि ये थ्री स्टार हो पाता है नहीं हो पाता है, टाउन हॉल आता है नहीं आता, क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू है। सिर्फ एक मिनट के अंदर मेरे को अपना 40% से भी ज़्यादा 40% से भी ज़्यादा अपना टाउन हॉल को देखना है कि आएगा नहीं आएगा। टाउन हॉल तो आ गया, बट इसके लिए मेरे को लग नहीं रहा है कि 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये पूरा कंपार्टमेंट खाली कर देगा, क्योंकि मेरे पास बोमन नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है जो जल्दी जल्दी ये कर पाए। बट देखते हैं इसके अंदर, ये 3 स्टार तो नहीं हो पाएगा। चलो कोई इशू नहीं, टाइमिंग का इशू था। आगे के और अटैक देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब तक गेंद वॉच चलती रहेगी डेली के अटैक आते रहेंगे। ऐसे ही देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट अटैक में नेक्स्ट फोर नेक्स्ट लिख देखते हैं। Have a nice day. Thank you.